कैलकुलेटर हाइट ऐप का अगर फोटोज़ वीडियोस डिलीट हो गया तो आप इस तरीके से वापस लेकर के आ सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फाइल मैनेजर फ्री एंड इजीली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है और आपको यहां नीचे में देख लेना है 5 मिलियन प्लस इसका डाउनलोड होगा। ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना है 5 मिलियन प्लस अगर आपका यहाँ पर डाउनलोड होगा उसी को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। 4.7 इसका रेटिंग भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिर इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको इस पर कैंसिल का बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके रेट देने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि आप उसे ओपन कर लीजिएगा आपके गैलरी में आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन को पहले ओपन करके देख सकते हो, आपको इसका पासवर्ड नहीं याद है तो आपको उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आपके फोटोज़ एंड वीडियोज़ वापस आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे आप लोग अपने फोटो और वीडियोस को वापस लेकर के आओगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप कोई पार्ट मिस कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर शो हाइड एक्स फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप शो हाइड एक्स फाइल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ब्लू आइकन जल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे शो ढूंढना है कि हाइडेक्स फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो हाइडेक्स डोंट डिलीट मी यहाँ पे आपको शो कर देगा, चौथे पांचवें नंबर पे, या फिर जहाँ पर भी होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। बस आपको स्क्रॉल करके थोड़ा बहुत ढूंढ लेना है। ढूंढ लेने के बाद आपको जब ये मिल जाएगा तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं क्या है इसके अंदर। उसके बाद आप लोग ऊपर में देख सकते हो DB जो लिखा है और यहाँ फाइल्स लिखा है, फाइल्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे H लिखा है, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो बहुत सारा फाइल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करते जाना है जब तक वो आपका फोल्डर्स आना जाए। जैसे कि आप देख सकते हो अभी आपका जहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स आ चुके हैं, ये सारे ओपन नहीं होंगे। अगर आप इसे ओपन भी कीजिएगा तो ये कोई भी ओपन नहीं होंगे क्योंकि ये सारे जंक फाइल हैं, तो आपको यहाँ पे ये कोई भी ओपन नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसे सबको सेलेक्ट करना होगा। सबको सेलेक्ट करके आपको अपने किसी और फोल्डर में जा करके पेस्ट करना होगा, तभी जा करके ये आपको वहाँ से फिर आपको इसे सही करना होगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ से इसे मूव कर देते हैं। मूव कर दीजिएगा या फिर आपके में कट का ऑप्शन होगा, कट कर दीजिएगा। इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे, यहाँ पे कोई सा भी अपना फोल्डर को सिलेक्ट करके उसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड का सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड का सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ पे ये सारे के सारे फोल्डर्स आ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली इसे सारे को रीनेम करना होगा। लेकिन इनका कोई और नाम यहाँ पे शो कर रहा है पता अजीब सा, तो आपको क्या करना, इसे रीनेम करना होगा। वो कैसे करना होगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना, एक से एक को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे 3 डॉट का जो ऑप्शन होकर उस पर क्लिक करके यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ रहा है 3rd नंबर पर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। रीनेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको ध्यान से देखना है, ये हाइडेक्स लास्ट में दिख रहा है और वो 7 के बगल में एक डॉट दिख रहा होगा आपको, फुल स्टॉप। उस डॉट को आपको कट नहीं करना, जैसे कि वहाँ पर आपको डॉट दिख रहा होगा उस डॉट को क्लिक नहीं करना है, सॉरी कट नहीं करना है, और ना ही आपको स्पेस देना है। तो यहाँ पे आपको PNG फिर लिख देना है। ठीक है, अगर आप कट कर देंगे तो फिर ये आपका फाइल नहीं खुलेगा, वायरस बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे PNG लिखना होगा, उसके बराबर में ही होना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। PNG लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, फिर ओके पे क्लिक कर देगा तो आपका यहाँ पे फोटो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फोटो ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद आप ओपन करके देख सकते हो, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको गैलरी में भी जाकर के दिखाऊंगा कि फोटो आए हैं। तो हम लोग इसे सेकंड वाले को भी रीनेम करेंगे। हम लोग रीनेम पर जाएंगे, रीनेम पर जाने के बाद फिर हम इसे यही क्या करेंगे, हाइडेक्स को हटा देंगे, डॉट को नहीं हटाएंगे, और हाइडेक्स की जगह पे हम लोग PNG लिख देंगे। उसे फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग करके देखते हैं, डॉट हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे PNG। ठीक है, हम लोग यहाँ PNG लिख कर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके के बाद फिर ओके करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा फोटो भी ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको सारे फोटोज़ को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा फोटो को अगर चाहेंगे कि एक बार में 2 फोटो को सही कर लें तो वो यहाँ पर नहीं हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम मोर पर जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नहीं दे रहा आपको रीनेम करने का। तो आपको इसी तरीके से एक एक करके ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना होगा। एक एक करके कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगा, एक बार में कभी नहीं होगा, आप एक एक करके ही कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से मैं मोर पे जाता हूँ, रीनेम करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइडेक्स को आप हटा सकते हैं और वहाँ उसके जगह PNG लिख सकते हैं। ठीक है, तो PNG के अलावा और कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। PNG के सिवा कुछ और, जैसे मेरा अभी गलत हो गया तो वहाँ पर नहीं होगा।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे PNG ही लिखेंगे, PNG, ओके करेंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे सारा कर सकते हैं, जैसे मैंने दो और कर दिया, पर फिर यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा है ये है हमारा वीडियो, तो हम इसे भी क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद रीनेम पे जाएंगे, वीडियो पे PNG नहीं लिखना है हमें, सेम वही प्रोसेस रहेगा, डॉट को नहीं हटाना है, और यहाँ पे हमको लिखना है MP4, ठीक है, MP4 हम लिख देते ओके, फिर ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका वीडियो भी यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद हम लोग जाते हैं गैलरी में, और गैलरी सेक्शन में जाकर चेक करते हैं वो हमारा फोटो और वीडियोज़ वापस आया है या नहीं। हमारी गैलरी कहाँ है वहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे एल्बम है, एल्बम पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे फाइल में, इसमें आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन में मैंने पेस्ट किया था, यहाँ पे डाउनलोड में हमारे सारे फोटोज़ आ चुके हैं। हम लोग यहाँ से बैक करेंगे, वीडियोज़ में जाएंगे तो हमारे वीडियोज़ भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।